अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अनिसबा के रेसिपी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं समोसा बिल्कुल नए तरीके से। रमजान स्पेशल इफ्तार में हमने बनाया है नए तरीके का समोसा। जो भी खाएगा वो बार बार याद करेगा। इतना जबरदस्त, इतना टेस्टी और इतना कुरकुरा ऊपर से और अंदर से जो इसकी स्टफिंग थी, आलू मटर और क्या कहते हैं मूंगफली के दाने यानी बीनट, इन तीनों की स्टफिंग इतना बढ़िया थी कि माशाल्लाह इतना टेस्टी समोसा बना हुआ था कि खाने वाले भी जो है तारीफ कर रहे थे कि ऐसा समोसा हमने कभी नहीं खाया। तो घर पे बनाइए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और लाजवाब और बिल्कुल परफेक्ट। जो चीज आपको साफ सुथरी घर पे बनाने पे जो अच्छा होता है वो बाजार से कितनी भी महंगी ले आए तो वो बात नहीं हो पाती है। तो आप कोशिश करिए अपने घर में लाइए बिल्कुल लो बजट में, बिल्कुल कम बजट में और बहुत जल्दी फटाफट बनने वाला बहुत कम टाइम में। तो अगर आप मेरी रेसिपी देखते हैं, पसंद करते हैं तो आपको बहुत सिंपल और बहुत आसान रेसिपी हमारे चैनल पे आपको मिलती होगी देखने को और बहुत ही टेस्टी रहता है। ऐसा नहीं है कि चाहे जैसे बना के रख दें और उसके बाद खाने में कोई टेस्ट ना हो, खाने में बहुत मसाला टेस्टी रहती है। तो आइए हम देख लेते हैं हमें किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हम उसके जो है आटे तैयार करेंगे। तो ये हमने ले लिया है 200 ग्राम मैदा, उसमें हमने डाल दिया क्रश करके अजवाइन और एक आधा चम्मच नमक और दोनों को हम खूब अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए नमक और अजवाइन को जब हम मिक्स कर देंगे तो इसमें बहुत अच्छी सी जो है इसमें एक नमक वाली और अजवाइन की टेस्ट आ जाएगी। अजवाइन को हमेशा जो है आप क्रश करके डालें। ये दोनों मिक्स हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन डालडा घी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने डाला है देसी घी। तो ये घी हमारा 3 से 4 चम्मच है और उसके बाद हम खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। घी को या ऑयल को जो भी आप डालें उसको खूब अच्छे से मैदे में मिक्स कर लें। आटे का भी बनता है समोसा बहुत बेहतरीन और मैदे का भी बनता है। तो मैदे को हम खूब अच्छे 2 मिनट 3 मिनट तक खूब अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से जब इसका मोयन बनने लगे तब समझ लीजिए इसका जो है मैदे का ड्यू परफेक्ट हो गया है। इसी तरीके से हमें जो है मिक्स करनी है घी में या ऑयल में। और चलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी हम डाल के इसको जो है एक डो बना लेंगे। ना हमें इसको ज्यादा हार्ड रखना है ना बिल्कुल गीला रखना है, बहुत ही मीडियम तरीके की जो है हमें बनाना है। मैदे को हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है सानते जाएंगे। ये देखिए थोड़े एक एक साथ अगर पानी छोड़ देंगे तो मैदा जो है गीला हो जाएगा और आपका आटा सही से नहीं बन पाएगा समोसे का। तो बहुत देखभाल के हमें जो है आटा सानना पड़ता है समोसे का। अगर आप इसी तरीके से पानी ज्यादा कर देंगे तो समोसे के ऊपर बबल्स बन जाएंगे और आपका कुरकुरा और क्रिस्पी ऊपर से समोसा नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसी तरीके से हमें जो है सान लेना है। ये देखिए ज्यादा पानी की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है और इसी पानी में हमें मिक्स कर देना है। तो इसी तरीके का हमें आटा सान के हम इसको साइड में रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास 1 घंटा टाइम नहीं है तो आधे घंटे में भी आप इसको बना सकते हैं, डायरेक्टली बना सकते हैं 10 मिनट के बाद। तो चलिए हम आगे की तैयारी कर लेते हैं कि इसके स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं आलू की। तो ये हमने डाल दिया है 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल और इसमें डाल देंगे हम जीरा थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब और इसमें डाल दिया है मूंगफली का दाना जो कि हम उसको फ्राई कर लेंगे उसी जीरे में और इसमें डाल देंगे हम 1/2 चम्मच लहसुन जो है इसको हमने कद्दूकस से कस किया था, 1/2 चम्मच अदरक और 3 से 4 हरी मिर्चें जो भी ये भी हमने कद्दूकस से उससे मिक्सर से हमने दरदरा सा पीस लिया था। काट की मिर्चें हरे हम इसमें नहीं ऐड करेंगे कि इसलिए बच्चे हमारे खाते हैं तो हम नहीं इसमें काट के डालेंगे, दरदरा सा पीस के हम इसमें डाल देंगे। अगर काट के डालेंगे तो किसी के मुंह के अंदर अगर एक भी मिर्ची की वो पड़ गई तो जैसे बबल
बॉल की तरह उछलते हैं, बच्चे हो या बड़े। तो चलिए इसमें हमने डाल दिया है कटोरी मटर, मटर भी हम इसमें भून लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम काला नमक आधा चम्मच सादा नमक, और इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्चा पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, और डाल देंगे एक चौथाई चम्मच खटाई पाउडर। इन सब चीजों को डाल के खूब अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे कि हमारा मसाला जो है जले भी नहीं और परफेक्ट खूब अच्छे से ऑयल में भून जाए। और इसमें हम डाल देंगे 4 से 5 जो है पुदीने के पत्ते। पुदीने के जो है आपको पता होगा पुदीना कितना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो ये हमने आलू उबाल लिया था 5-6, और इसको जो है हम हाथों की मदद से तोड़ के इसमें डालेंगे। अगर हम मैशर से मैश करेंगे तो जो है आलू हमारा ज्यादा बिल्कुल भरते वाला और उस टाइप का बन जाता है। तो हमें तो सबसे ज्यादा आसान हाथों से मैश करके डाल दो, वो परफेक्ट जो है रहता है। और कद्दूकस से कभी आलू को जो है कसना नहीं समोसे के लिए। और ये हमने ले लिया है धनिया, धनिया को धनिया का डाढ़ा लगाकर तड़का लगाकर हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो धनिया को जो है दरदरा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो है खड़ी धनिया का तड़का लगा के डालिए तो बहुत ही मजे का टेस्ट आता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है समोसे का, बिल्कुल धनिया का फ्लेवर आ जाता है। तो इसमें हमने डाल दिया आलू और सब चीज, सारी चीजें इसमें हम कर लेंगे मिक्स। और गैस के फ्लेम को याद रखिएगा बिल्कुल लो पे रखना कि आपका आलू तैयार है, समोसे का स्टफिंग तैयार है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी धनिया की पत्ती, और इसको डाल के थोड़ा सा हम और चला देंगे कि हमारे धनिया की पत्ती खूब अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। अब चलिए इसको हम रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। फिर हमने जो डो बनाया था मैदे का उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा डो देखिए परफेक्ट हो गया है बिल्कुल, और इसको हम 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से खूब अच्छे से इसको उलट पलट कर सानेंगे कि हमारा जो है मैदा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और बिल्कुल तैयार है समोसे के लिए। ये देखिए, तो आप जब इस तरीके से मैदा बनाएंगे तो आपका समोसा बहुत ही परफेक्ट बनेगा और बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन बनेगा, उसमें बबल्स नहीं आएंगे। तो समोसे का जो है तरीका बनाने का बहुत अनोखा है और बहुत ही साधारण भी है। जो बना लेता है उसके लिए बहुत साधारण है, जो नहीं बना पाता उसके लिए बहुत कठिन है। लेकिन माशाल्लाह हमारे हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका दिल कहेगा बनाने के लिए। इतने आसानी से और बहुत कम बजट में और बहुत जो है आसान रेसिपी, सिंपल रेसिपी हमारे चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेगा और बहुत ही टेस्टी रहता है। कोई भी चीज आप बना हमारे देखेंगे हमारे चैनल पे, कोई भी रेसिपी हो या इफ्तारी स्पेशल जो भी हम बनाते हैं, कबाब पकोड़े वगैरह वगैरह, आप जो एक एक रेसिपी अगर ट्राई करेंगे मेरे तरीके से तो फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना टेस्टी हमारा ये रेसिपी होता है। तो चलिए इसी तरीके से हमने जो है आटे को 6-4 उसमें डिवाइड कर दिया है 4 पेड़े में, और इसको हम बेल लेंगे। इसको बेलने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, मैदा है तो थोड़ा सा दबा दबा के इसको बेलना पड़ता है, और बिल्कुल रोटी से भी पतला इसको बेलना, अगर मोटा आपका ये रह गया तो फिर समोसा सॉफ्ट नहीं बन पाएगा, कुरकुरा नहीं बन पाएगा, बहुत ही पतला इसको बेला जाता है, बिल्कुल रोटी से भी बारीक। रोटी तो हल्की होती है, रोटी से भी बारीक इसको आप इसकी रोटी बना ले लॉन्ग तरीके से, मतलब लंबा गोल नहीं, इसका आकार थोड़ा सा लॉन्ग रहे। ये देखिए मेरे तरीके से इसमें दो डिवाइड हम कर लेंगे, तो दो डिवाइड कर लिया है। इसके साइड में हम लगा देंगे थोड़ा सा पानी, पानी से इसको जो है हम चिपका लेंगे। देखिए बहुत आराम से हम बता रहे हैं आपको,
और बहुत ही धीरे धीरे आसानी से हम बता रहे हैं कि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बहुत अच्छे से आप बनाए देख के और बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। जब आप हमारा रेसिपी देखेंगे तो हम बहुत आराम से बताते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं और बहुत आराम से ये सारी रेसिपी हमारी रहती है। तो चलिए ये हमारा देखिए एक समोसे का वो बन चुका है साचा, एक साचा तैयार हो गया समोसे का। अब इसमें हम इसकी स्टफिंग भर लेते हैं। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है मसाला और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है स्टफिंग से। ये देखिए तो बहुत आसानी से हम बता रहे हैं आपको धीरे धीरे इसी तरीके से हमारा जो है सारे समोसे बनेंगे। ये देखिए चम्मच की मदद से आप नीचे की तरफ दबाते जाइए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा आप उंगलियों के सहारे से भी नीचे स्टिपिंग कर दीजिए और चारों तरफ हम लगा देंगे इसके पानी। अगर हम चारों तरफ पानी लगाएंगे चिपकाएंगे तो, और इसको बहुत ही सही से चिपकाइएगा, नहीं तो तलते के समय ये फट जाएगा और सारे आलू बाहर आ जाएंगे तेल में। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद इसको हम ऐसे चिपकाएंगे आगे की तरफ खींच खींच के। ये देखिए आप देखते जाइए मेरे हाथों पे, आप ध्यान दीजिए किस तरीके से मैं समोसा बनाती हूँ। समोसा तो कहने में बहुत आसान होता है और आपको हर जगह ठेले होटल बाजार मार्केट हर जगह मिल जाएगा और बनाने में भी बहुत, जब इस तरह मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत आसान है बनाना इसका। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी देखिए ऐसे जोड़ लेंगे, ये देखिए इसी तरीके से। और इसके मुंह को जो है पीछे साइड जो इसका होता है इसको हम खूब अच्छे से दबा देंगे, चिपका देंगे इस। बस आप ये ध्यान रखिए इसमें बहुत बारीकी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरीके से हम इसको दबाते जाएंगे चिपकाते जाएंगे कि हमारा जो है ये साचा खुले ना। ये देखिए अंदर से भी थोड़ा सा दबा लीजिएगा। तो चलिए दूसरा समोसा भी इसी तरीके से हम बना के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए चम्मच की मदद से आप भरते जाइए। ये देखिए हमने थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया है, हमें बहुत अच्छा लगता था बड़ा बड़ा समोसा बनाने में तो इसलिए हमने थोड़ा बड़ा बड़ा बनाया है। 2 से 3 स्टेपिंग इसमें आराम से मसाला आ जाता है। इसी तरीके से आप कीमे का समोसा बनाइए, इसी तरीके से आलू का तो मैंने बना ही लिया है। और इसमें अगर स्टफिंग में और भी कुछ आप डालना चाहते हैं तो किशमिश भी डाल सकते हैं, काजू भी थोड़ा सा फ्राई करके डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जितना भी मतलब इसमें चीजें डालेंगे उतना ही अच्छा ये टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए दूसरा वाला भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। ये इसको यहाँ पे मोड़ देते हैं, ये देखिए, और इसको हम खींच खींच के आगे की तरफ मोड़ते जाएंगे। तो मसाला ये देखिए, और खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा, खूब अच्छे से इसको चिपकाइएगा। ये देखिए दूसरा भी समोसा हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसी तरीके से सारे समोसे हमको बना लेने हैं। ये देखिए, और इसको देखिए हम किस तरीके से फ्राई करते हैं। ये देखिए एक एक समोसा मसाला बिल्कुल लो, तेल को बिल्कुल मीडियम हॉट गरम रखना, मीडियम पे, हॉट नहीं गरम होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम तेल का, तेल इसका गरम होना चाहिए, नहीं तो आपका ऊपर से समोसे का वो ज्यादा लाल हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, कुरकुरा नहीं हो पाएगा। तो तेल हमारा जो है मीडियम प्रॉपर गरम है और इसमें हम एक एक समोसा करके डाल देंगे। तो चलिए लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। वॉचिंग द वीडियो।